तो लिखा वाली में शायद बहुत ज्यादा धूली है, धूल मिट्टी है यहाँ पे गांव में भी। कोई है वीडियो का और आप लोग ये जगह वीडियो करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लेता है, एक एक जगह लोटा जगह है। सो मेरा वीडियो यहाँ गेट तक करेगा, उसका ऑफ करेगा वीडियो को, यहाँ वीडियो नहीं करेगा, ये गलत है, बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है यहाँ पे। श्री कृष्ण का जो रेस करने जगह था बोला ये जो। सो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी फिलहाल मैं यहाँ लिकावाली में हूँ और लिकावाली का एक यहाँ का एक फेमस जगह है, बालीनीता करके एक मंदिर है। सो वहाँ आप लोग को ले जाऊँगा, वो जो है थोड़ा यहाँ का फेमस जगह है। तो आप लोग को यहाँ का जो फेमस जगह को दिखाने के लिए यहाँ से अभी और लिकावाली से और अभी वहाँ में पहुँच के आप लोग को जहाँ जो लोकेशन जहाँ में मंदिर है वहाँ ले जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार आप लोग वीडियो में बने रहना और वहाँ का जगह जो बालीनीता का जो हिस्ट्री प्लेस है ना, वो फेमस है, पुराना जगह है, पुराना जो देखा पुराना जो आईटी से सामान लोग है वहाँ में है। सो आप लोग को दिखाने के लिए वहाँ कोशिश दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और आप लोग ये देखिए, ये जो लिकावाली टाउन तो नहीं पहुँचा, मार्केट एरिया नहीं पहुँचा, ये जो कॉलोनी है हमारा इटानगर में एक जमाना में ऐसे था यार, धूल नगर मतलब एक नाम देता था एक जमाना में जब बहुत ज़्यादा धूली था। तो लिकावाली में शायद बहुत ज़्यादा धूली है, धूल मिट्टी है यहाँ पे गाँव में भी। और यहाँ का शायद जगह तो बहुत अच्छा है लेकिन ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट लोग यहाँ में शायद मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करता होगा, ये पूरा धूल मिट्टी है बहुत। निकल गया अभी हाईवे में और हाईवे यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है ये रास्ता से हाईवे से? ये तो दिमाजी निकलने वाला है। यहाँ से दिमाजी निकलता है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जगह से, रास्ता रोड से, और ये रोड से पड़ता है बालीनीता मंदिर। सो फाइनली हम लोग पहुँच गया, ये देखिए ये लोकेशन। तो हम लोग को जाना है ऊपर, यहाँ लिखा ना मालिनी। सो यहाँ में पार्किंग चार्ज आप लोग यहाँ कहे आने से यहाँ पार्किंग चार्ज 20 रुपीज़ लेता है एक पार गाड़ी का, तो बाइक का 10 रुपीज़ होगा शायद। तो हम लोग यही जगह जगह के ये काउंटर है ना, ये काउंटर है, यहाँ से टिकट काट के फिर हम ऊपर जाएगा ये जगह। और गेट जो है यहाँ में है, ये देखिए कोई है वीडियो का। और आप लोग ये जगह इसको देखिए, ओके जनरल 20 रुपीज़ पे करना है यहाँ पे। और ये जो फॉरेनर जो 50 रुपये है और ये जो फोटोग्राफ करने के लिए 500 रुपये और ये जो वीडियोग्राफ करने के लिए 50 रुपीज़ 500 और नॉन कमर्शियल। ये देखो सो ये देखिए यहाँ पे वीडियो करने के लिए 500 रुपीज़, फोटो करने के लिए और वीडियो शॉट करने के लिए 500 रुपीज़। और ऐसे तो कई जगह भी नहीं देखे, फिर वीडियो करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, एक एक जगह लौटा जगह है। सो इसलिए ये मेरा वीडियो यहाँ गेट तक करेगा, उसका ऑफ करेगा वीडियो को, यहाँ वीडियो नहीं। सो एक्चुअली मिसकंसीव हो गया था, तो मोबाइल को एलो कर रहा है, सेल फोन एलो कर रहा है यहाँ पे फोटो वोटो खींचने के लिए, और यहाँ में एलो नहीं कर रहा है जो वो है DSLR जो कैमरा होता है उसको एलो नहीं कर रहा था, उसको पैसा ले रहा था, तो मोबाइल को पैसा नहीं ले रहा था। तो मैं अपना मोबाइल अंदर लेके जा रहा हूँ। एंट्री एग्जिट हम लोग देख के भी गलत आ गया, सो गाइस हम लोग एंट्री हो गए यहाँ पे अंदर। तो एक्चुअली में हम लोग एग्जिट अंदर उल्टा जगह से घुस रहा था, तो लिखा हुआ था फिर भी हम लोग पढ़ के उल्टा जगह से घुस रहा था है ना। तो ये देखिए हम लोग 4 जन जा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूर्ति होती बना कर रखा है, अलग अलग डिजाइन, अलग जो जितना भगवान है ऐसे मूर्ति होती बना कर रखा है वहाँ से आगे से। और यहाँ में कुछ लिखा है देखिए, आर्कोलॉजी के लिए माउंटेन, आर्कोलॉजी मोमेंटम नोटिस है जो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अरे मेरा एक क्लास है वहाँ से एंट्री मारा था यहाँ से होके यहाँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे ऊपर।
यहाँ लिखा है कुछ कुछ, तो आप लोग जितने जो पढ़ना चाहेगा तो इसको पूछ करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्लियरली आप लोग देख रहा होगा, तो जो पढ़ना चाहेगा उसको पूछ, वीडियो को पूछ करके पढ़ सकते हैं। सो गाइस ये देखिए, और बहन फोटोशूट कर रहा है, शर्म कर रहा है बहन पुल्लू का नाम है ना डिजाइनर को, जो लगाने लालो का नाम है। और सो यार देखिए ये जो, ये बहुत पुराना है, कितना साल का पुराना होगा, ये लिख के रखना सीखता ना, एग्जिट यहाँ लिखा है। और ये देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरह दिखता है, श्री कृष्ण का जो रेस करने जगह था बोला, ये जो इसका हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, और ये बहुत पुराना एंशिएंट पीरियड का समय का है, ये जो डिजाइन डिजाइन ये देखिए, ये इटा वगैरह जो लगाया है ये बहुत पुराना है, ये देखिए ये डिजाइन को देख सकता है, बहुत पुराना सामान पुराना है, जो कुछ पत्थर वत्थर जो भी लगाया है बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट वे टू द आर्कोलॉजिकल यहाँ लिख के रखा है। यहाँ पे आप जितना कुछ सामान है आप लोग देख सकता है, आर्कोलॉजिकल सो सामान है, ये देखिए ये बहुत पुराना है, लगभग 400-500 साल का पहले का सामान लोग है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ वाटर रिजर्वर। सो गाइस यहाँ पढ़ के देखते हैं, यहाँ पे सब सर्जरी टेम्पल्स एलायंस रिलेटमेंट टेम्पल वेस्ट, सो आप लोग भी यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे चीज, और ये देख सकता है यहाँ पे अभी, और ये दूध दूध निका शायद बहुत पुराना पुराना सामान है, लेकिन ये जो बनाया है ये नया है शायद, ये जो पुराना सामान लगे बहुत ज़्यादा, ये देखिए। कबूतर पूजा कर रहे सब, और यहाँ पे देखिए जूता होता खुल के जो जा सकते हैं जो पूजा करने वाला लोग, चलो देखिए मामा बच्चा चप्पल खुल के वहाँ में, ये चप्पल खुल के वहाँ पे जो दूल्हा उलाना होता है मंदिर का सामान होता है उधर करते, चलो हम ऊपर उसे, जो रात में बहुत चमकता है दिन में उतना जो खास दिखाई नहीं देता है, जो जितना देख रहा उतना होता है, और रात में जो है हम लोग का ये जो बहुत अच्छा खासा चमकता है, जो देखने के लिए अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा है ऊपर में, और ये देखिए मंदिर, लेकिन हम अंदर नहीं घुसेगा, ये बाहर बाहर आप सच आप लोग को प्रे करने के लिए आप पूजा करने के लिए एनी टाइम यहाँ आ सकता है। ये देखो कल्चर नोटिस बोर्ड मालेंटन आर्कोलॉजी मूवमेंट द सिचुएटेड, ये देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग ये वीडियो को पूछ करके इसको पढ़ने से जानकारी चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं देखिए। और हम लोग अभी देख लिया जितना अच्छा दिखना था देख लिया, आप लोग भी देखा होगा वीडियो को, और ये इन मूवमेंट हम लोग यहाँ से रिटर्न पे वापस जा रहे हैं बाहर, और यहाँ घुसने के लिए 20 रुपीज़ जो पार इंसान को ले आता, तो हम लोग अभी निकालने के बाद फिर से वापस घुसने नहीं मिलेगा, तो वीडियो यही है। देखिए ये जो मेरे पीछे में स्पॉन्सर, हम लोग का आज का स्पॉन्सर हमारा भाभी है, और ये देख सकता है जगह लोकेशन मंदिर का व्यू, थोड़ा दिखिए आप लोग गेंजी सर्कल ना, ये देखिए इतना अच्छा से लिख के रखा है, लेकिन रात को सुंदर से चमकता है, ये जो आई लव मालिनीतन बोल के, ये देखिए, और यहाँ में डिजाइन तो सुंदर डिजाइन देख के रखा है, ये देखिए वहाँ से एंट्री ऊपर से जाता है, यहाँ से फिर इन होके यहाँ से वापस निकलता है, शायद गेट बंद है तो वहाँ का, ये देखिए अच्छा से सुंदर प्लानिंग सजाया है। और
सो एक्चुअली पता नहीं है यहाँ का मंदिर का आर्कोलॉजी हिस्ट्री को एक्चुअली पता नहीं मालूम नहीं हो पाया यहाँ पे यहाँ का जो पुजारों को पुजारी से पूछने के लिए कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया था। तो एक्चुअली यहाँ का जो हिस्ट्री का पता एक्चुअली पता नहीं है तो इसलिए आप लोग को डिटेल नहीं बता पाएगा। और जो लोग अगर देखना है या यहाँ अगर लिकावाली शायद आता है तो यहाँ हिस्ट्री जान सकते हैं यहाँ पर शायद नेट में होगा नेट में। तो जितना मेरा हिसाब में वहाँ पर 1860 में रजिस्टर हुआ है ये जो और यहाँ फिर 2019 में जो यहाँ का इनोग्रेशन फिर हमारा लोकल आदमी लोग किया था शायद ऐसे लिख के रखा था वहाँ पे। तो आप लोग जितना जानकारी चाहिए तो यहाँ आ सकते हैं आके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ये देखो सराउंडिंग हाँ गाइस हमने एग्जिस्ट ले लिया। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा पूरा जगह लगा के लगाया है। और ये थोड़ा कहानी थोड़ा जानने में आया है कि ये जो है रुक्मणी और श्री कृष्ण का शादी यहाँ पे हुआ था तो इसी मंदिर बन के रखा है यहाँ पे। ये देखो मंदिर मेरे पीछे में है और गेट यहाँ से एंट्री बहुत सुंदर मंदिर है। तो एग्जैक्ट हिस्ट्री का बारे उतना एग्जैक्ट पता नहीं है शायद नेट में मिल जाएगा ये। और यह फाइनली निकल गया वहाँ से अंदर से निकल गया जितना अंदर आप लोग दिखना थे देख लिया। और बाहर का बाहर को देखिए बाहर यहाँ से गेट बनाया हुआ है हम लोग वहाँ से एंट्री हुआ था। और यह टिकट कटने जगह है और फिर ये जो है लोकल आइटम लोग बिक्री करता है जो मंदिर का आइटम भी बिक्री कर लोकल आइटम भी बिक्री करता सामान जो देखिए मंदिर का सामान जो हमारा लोकल लोग बिक्री करते हैं यहाँ पर लोकल आदमी लोग। और ज़्यादातर दुकानदार हमारा लोकल आदमी है यहाँ पे। ये देखिए सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का भी है और यहाँ का लोकेलिटी भी है जो जो भी सामान बिक्री करते हैं जो मंदिर में जितना यूज होता है यहाँ पे मिल जाता है बाहर में मंदिर का बाहर में। सो गाइस यह वीडियो मेरा वीडियो यहाँ इन करेगा और उसके बाद बिगड़ जाएगा और फिर खाना वाना खा के फिर से हम गेंजी साइड निकलेंगे गेंजी साइड जहाँ मैं नेटवर्क नहीं पहुँचा वो जगह निकलेगा फिर वो वीडियो आप लोग को ला के दिखाने के लिए कोशिश करूँगा वहाँ में हमारा लोग प्री न्योकम मना रहे तो वहाँ जाएगा।